हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला कट कुर्ती और इसकी कटिंग करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है सबसे पहले, और यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 6 इंचेस, और 6 इंचेस ही मैंने यहाँ पे आर्म होल पे निशान लगाया है। इसलिए 32 साइज है, उसका फोर्थ पार्ट लिया है 8 इंच, और यहाँ पे हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। हाफ इंच लेंगे शोल्डर के ऊपर से, और उसको नेक की जो हमारी विथ है वहाँ लेते हुए उसको मिला देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे, और यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे हम। यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और ऊपर से लेंगे 10 इंचेस, और यहाँ पे हम डार्ट का निशान लगा लेंगे। और बाकी आप फिटिंग का निशान लगा लीजिए। 2-2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है। बस इसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। ये शिफोन फैब्रिक में हम बनाएंगे, प्योर चिनॉन शिफोन का फैब्रिक है ये। बनके बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही लाइट वेट सा फैब्रिक होता है ये। गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है पहना हुआ, और बहुत ही कंफर्टेबल भी रहता है। और अब हम इसी को जो हमारा अस्तर है मेन फैब्रिक पे रखते हुए उसको सेम इसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों ही अस्तर के साथ। अब हम जो हमारा फैब्रिक बचा है उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और डबल फोल्ड करके उसको तिरछा हम बिछा लेंगे। ये हमारा फैब्रिक हो गया 4 फोल्ड। इसको अच्छे से सेट करेंगे, इस कहीं से भी झोल नहीं होना चाहिए कपड़े में। तो जितनी हमारी कमर है वो उतना ही हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। मार्जिन भी इसमें ऐड करना है 2 इंच कमर के साथ, और 14 इंच ऊपर बॉडी लेंथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ 52 इंच में हम निशान लगाते चलेंगे। 52 इसकी टोटल लेंथ है। एक इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, और वह जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी पे हम इसको राउंड शेप में कट कर देंगे। इस फैब्रिक की जो विथ है वो 56 थी, तो इसमें कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं आया। अगर हम 44 जो इंच होती है फैब्रिक की विथ, 44 इंचेस, तो उसमें तो ज्वाइंट आता ही है। तो यहाँ पे अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स हम सिंपल ही चूड़ीदार कट करेंगे। स्लीव हमारी जितनी हमने आगे से मुड़ी रखनी है 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, और लेंथ में भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। एक बार हम इसको सीधा कट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसका शोल्डर जो है 3 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसको हम ड्रॉ कर देंगे। और सेम उसी तरीके से जैसे हमने मेन फैब्रिक की स्कर्ट कट करी है उसी तरीके से हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे। इसके नीचे जो अस्तर लगाना है उसकी कटिंग, और इसमें जॉइंट आएगा क्योंकि इसकी विथ कम होती है, 40 इंचेस ही होती है इसकी विथ अस्तर वाले फैब्रिक की। ये मैंने सिंपल कॉटन का ही अस्तर लिया है। जो फैब्रिक बचा है उसी पे हम सेम उसी तरीके से निशान लगाते हुए राउंड शेप में कट कर लेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा चोली पार्ट है उसमें अस्तर और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से एक बार ज्वाइन कर लेंगे।
जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। यहाँ पे मैंने एक टैग लिया है बुकरम का, तो उसको हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे चिपका लेंगे। एक साइड इसके हम पिन इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से हम इसको चारों तरफ से एक सिलाई लगा लेंगे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। इसका सेंटर करेंगे, इसके बाद हम एक कट का निशान लगा लेंगे और एक मार्किंग कर लेंगे। हम ऐसे ही हमें फैब्रिक पे हमें फ्रंट नेक जहाँ पे हमने जॉइंट करना है उसका भी सेंटर करेंगे और एक हम निशान लगा लेंगे उसमें भी। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पे रखते हुए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने यहाँ पे पिन इंसर्ट कर लेना है और राउंड शेप में हमने एक सिलाई लगा देनी है। पिन इंसर्ट करने से सीधा नेक इधर उधर नहीं जाता है, बिल्कुल आसानी से लग जाता है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम फैब्रिक को कट करके छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक है ना उस पे ही हमने टॉप सीम लगानी होती है, तो जो हमारी स्टिच है वो विजिबल नहीं रहेगी। इसको अंदर फोल्ड कर देंगे, हम यहाँ पे हेमिंग कर देंगे और सेम इसी तरीके से डॉट का निशान दूसरी साइड भी लगा लेंगे और यहाँ पे हम डॉट डाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। इसी तरीके से हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है, चारों तरफ उसके सिलाई लगा दी है। बस यहाँ पे हम अब रेप पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे एक हम तिरछी पट्टी कट करेंगे जिसकी विड्थ होगी 1.5 इंच और इसको बिल्कुल ही हल्के हाथों से, ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथों से इस पर हम राउंड शेप में स्टिचेस पे लगाएंगे और एक टॉप सीम लगा देंगे। अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे हम तरपाई करेंगे। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर को हमने बैक जो हमारा नेक है उसके अंदर रखते हुए उसको ऊपर फोल्ड करके स्टिच लगाना है। इस तरीके से बहुत ही सफाई से स्टिच लगती है। और जो हमारा इनर पार्ट में फैब्रिक में जॉइंट आया है उसको हम एक बार स्टिच कर लेंगे। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी फैब्रिक को हम मेन जो हमारी स्कर्ट है तो उसके साथ में अटैच करके एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हम सेंटर करेंगे चोली पार्ट में और इसका भी सेंटर कर लेंगे, स्कर्ट का भी, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें यहाँ पे स्टिच कर दे। सेंटर में हमने निशान इसलिए लगाया है क्योंकि हमने इसका जो कमर पार्ट था स्कर्ट का वो एक्स्ट्रा लिया थे। हम एक सेंटर में एक प्लेट डाल देंगे सेंटर में।
यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है, इसी तरीके से बैक पार्ट भी हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। आगे हम जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा होता है 1.5 इंच यहाँ पे लेते हुए या 1 इंच जितना आपने रखना है उसको हम फोल्ड करके एक स्टिच लगा देंगे। बाजू में हमने अस्तर ऐड नहीं करा है, इसको हम ऐसे ही लगाएंगे। सेंटर से सेंटर कट को हमने शोल्डर का जो सेंटर है वहाँ पे लगाते हुए ध्यान रखना है कि जो हमारी फ्रंट बाजू का फ्रंट पार्ट है जो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ कट करते हैं वो फ्रंट में ही आना चाहिए। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमने दोनों तरफ स्लीव्स को अटैच कर लेना है। और जितनी हमारी बाजू की फिटिंग है मैंने यहाँ पे 4 इंच रखी है और फिटिंग का निशान लगाते हुए हमने स्टिच कर लेना है इसको। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कमर तक हमने, कमर से नीचे 2-3 इंच नीचे तक हमने दोनों को जॉइंट कर देना है। उसके बाद हमने मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर देना है और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उस पर हम स्टिच करेंगे। दोनों की स्टिचिंग अलग अलग ही करनी होती है। तो अब हमने जहाँ से सिलाई छोड़ी थी वहीं से उठाते हुए मेन फैब्रिक पे भी सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। मेन फैब्रिक के घेर पे तो हम पीको करवा लेंगे और जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हम स्टिच कर लेंगे नीचे की तरफ। 1-1 इंच फोल्ड करते हुए फैब्रिक को ढीले हाथों से ही स्टिच करना है। तो अगर हम ढीले हाथों से स्टिच करते हैं तो कोई भी प्लेट नहीं आती है, अगर हम खींच खींच के करेंगे तो यहाँ पे प्लेट्स आएंगी, फिर फिनिशिंग से स्टिच नहीं लगती है। अगर ढीले हाथों से करते तो आसानी से हम राउंड शेप में सिलाई लगा सकते हैं। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हम पीको ही करवाएंगे। ये रहा जी इसका फाइनल लुक, बनने के बाद ये बहुत ही अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच।